दुनिया का सबसे पहला स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 प्रोसेसर के साथ में आने वाला स्मार्टफोन यानी कि मोटोरोला एज X30 स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च हो चुका है, लेकिन सिर्फ अभी चाइना में ही लॉन्च हुआ है, इंडिया में भी जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मोटोरोला एज X30 स्मार्टफोन के बारे में, डिटेल्स में बात करेंगे, देखेंगे इसके स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स क्या कुछ इसमें देखने को मिलने वाला है, और सबसे जरूरी बात क्या ये इंडिया में देखने को मिलेगा, और अगर देखने को मिलेगा देन किस प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलेगा, और कब तक हमें ये इंडिया में देखने को मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 2 साल से वीडियोस जो है बना रहा हूँ, और पिछले 2 साल में मेरा ये सबसे पहला रिव्यू है किसी भी मोटोरोला के किसी भी प्रोडक्ट पर। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करा है मोटोरोला के, लेकिन एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आखिरी भी नहीं होने वाली है, लगातार आपको वीडियोस देखने को मिलने वाली है, लगातार रिव्यूज वीडियोस देखने को मिलेंगी, मोटोरोला पर भी देखने को मिलेंगी और बाकी की कंपनीज पर भी देखने को मिलेंगी। तो बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं स्मार्टफोन के सबसे हाईलाइटेड फीचर से, जो कि है इसकी परफॉर्मेंस। दोस्तों परफॉर्मेंस इसमें हमें काफी शानदार देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें हमें देखने को मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 एसओसी। देखा जाए दोस्तों ये सबसे लेटेस्ट और फ्लैगशिप प्रोसेसर है एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए, और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ ये जो प्रोसेसर है ये बेस्ड है 4 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी पर। तो मोटोरोला की टेस्टिंग की यहाँ पर बात करी है, देन उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें 20% तक ज़्यादा अच्छी CPU परफॉर्मेंस और 30% तक हमें ज़्यादा अच्छी GPU परफॉर्मेंस, और साथ ही में 400% तक हमें ज़्यादा बेहतर इसमें AI टास्क परफॉर्मेंस देने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू इट्स प्रीडेसेसर स्नैपड्रैगन 888 प्लस SoC। बेसिकली देखा जाए ये जो नंबर्स हैं काफ़ी इनसेन है दोस्तों। इसके अलावा मोटोरोला ने यहाँ पर इसके एंटीटू बेंचमार्क्स भी यहाँ पर शेयर किए थे, जो कि 1,60,000 से भी ऊपर जा रहे हैं, और इसी के साथ ही ना ये स्मार्टफोन जो है एंटीटू पर सबसे हाईएस्ट स्कोर वाला स्मार्टफोन हो जाता है कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में। बेसिकली देखा जाए काफ़ी जो है नेक्स्ट लेवल स्मार्टफोन है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हमें LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसी के साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मोटोरोला के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, या फिर आप इनकी न्यूज़ के साथ में या फिर इसके प्रोडक्ट रिव्यूज जो है देखना चाहते हैं, देन उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं लगातार इन पर मैं वीडियोज़ जो है लेकर आता रहता हूँ। हाँ मोटोरोला पर पहली वीडियो है, इन फ्यूचर में और भी वीडियोज़ आएंगी, उनके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही अभी हम लोग बात कर ले रहे इसकी डिस्प्ले के बारे में। बेसिकली डिस्प्ले देखा जाए देन स्मार्टफोन की काफ़ी शानदार देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें हमें 6.7 इंचेस की OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आने वाली डिस्प्ले है, और साथ ही में हमें इसमें 144 हर्ट्ज़ का यहाँ पर डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि आगे की साइड हमें स्पीकर ग्रिल जो होती है उसके बिल्कुल नीचे हमें छोटा सा एक टाइनी सा पंचोल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, सेल्फी कैमरा सेटअप, जिस जो कि हमें 60 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। दुनिया का सबसे पहला ये 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो कि मोटोरोला ने इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा यहाँ पर एक और स्पेशल एडिशन भी आती है इसी स्मार्टफोन की, जिसमें हमें अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बेसिकली देखा जाए ये चीज़ जो है ऑलरेडी सैमसंग ने इंट्रोड्यूस कर दी है, लेकिन वो अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में आ जाता है, हो सकता है कि ये उससे सस्ता रहे और एक अच्छे खासे प्राइस पर ये देखने को मिल जाए। इसके अलावा डिस्प्ले के बारे में और बात कर ली जाए देन यहाँ पर हमें HDR प्लस और 10 बिट की यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो अगर आप लोग कंटेंट कंज्यूम करने के शौकीन हैं देन आपके लिए ये जो स्मार्टफोन है इसकी जो डिस्प्ले है आपके लिए काफी शानदार रहने वाली है। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके कैमरा सेटअप के बारे में। बेसिकली यहाँ पर हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर हमें प्राइमरी इमेज सेंसर देखने को मिल जाता है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि इसमें हमें 4:1 पिक्सल बीनिंग देखने को मिल जाती है, और साथ ही में ये जो कैमरा है ये OIS की सपोर्ट के साथ में आता है। बेसिकली आप लोगों को बता दूं कि ये 50 मेगापिक्सल का हमें ओमनीविजन का इमेज सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें दूसरा कैमरा भी हमें 50 मेगापिक्सल का ही देखने को मिल जाता है, ये ISOCELL अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, और देखा जाए साथ ही में हमें 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर डेप्थ सेंसर कैमरा भी देखने को मिल जाता है। फोन में हमें मैक्सिमम जो है 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों बेसिकली देखा जाए देन मैं इसकी जो क्वालिटी है उसको लेकर थोड़ा सा ना स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि इसमें हमें ओमनीविजन का कैमरा देखने को मिलता है, सोनी या सैमसंग का नहीं, क्योंकि सोनी का हो या फिर सैमसंग का हो उसकी क्वालिटी को हम लोग जो है बिना देखे ही बता सकते हैं कि क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ। और जब तक ये स्मार्टफोन हमारे हाथ में नहीं आ जाता तब तक मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि इसकी जो क्वालिटी आपको शानदार देखने को मिलेगी या फिर बेकार देखने को मिलेगी, तो मैं दोनों पर ही कमेंट नहीं करूँगा, इसको मैं जो है आप पर ही छोड़ता हूँ। और हो सकता है कि हमारे पास में इसकी रिव्यू यूनिट आ जाए
बेसिकली जो की लाइकली नहीं है अभी, और अगर आती है देन जो है पक्का इसका कैमरा का जो रिव्यू है वो हम लोग अपलोड करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात कर ले रहे हैं इसकी बैटरी के बारे में। बेसिकली यहाँ पर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ ही हमें फोन के साथ में हमें जो है 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फोन जो है वो एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड माई UI के साथ में आता है। ध्यान रखिएगा माई UI, यहाँ पर मी UI नहीं है। इसके अलावा जो ग्लोबल वेरियंट होगा ना वो आएगा माई UX पर। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में भी माई UX ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मोटोरोला का जो UI है माई UX जो है बेसिकली यहाँ पर नियरली स्टॉक एंड्रॉइड का ही यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें नीट एंड क्लीन UI देखने को मिलता है। ये चीज़ मुझे मोटोरोला की काफ़ी शानदार लगी। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर मोटोरोला की प्रेजिंग करनी भी बनती है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में मोटोरोला ने काफ़ी फास्ट रिकवरी करी है और काफ़ी शानदार और काफ़ी दमदार स्मार्टफोन इन्होंने लगातार इंडिया में लॉन्च करे हैं। एक से एक बढ़कर इन्होंने स्मार्टफोन लॉन्च किया, तो ये चीज़ जो है इनकी इस चीज़ के लिए इनकी प्रेजिंग करनी भी बनती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में और इसके लॉन्च के बारे में। दोस्तों यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो कि सजेस्ट करती हैं कि हमें जो मोटोरोला एज X30 जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में देखने को मिल तो सकता है, लेकिन सेम नेम से है ये लाइकली नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि इसका जो मोटोरोला जो है इसको इंडिया में अगर लॉन्च करेगी देन उसको किसी और नाम से जो है लॉन्च कर सकती है इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि इसका जो लॉन्च है वो लाइकली है कि भी हमें यहाँ पर फरवरी तक इसका जो लॉन्च है वो देखने को मिल सकता है इंडिया में। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बता दूं इसकी प्राइसिंग जो है, मेरे हिसाब से इसकी जो प्राइसिंग है वो 45,000 to 48,000 के अराउंड हो सकती है, क्योंकि इसका जो चाइना में लॉन्च हुआ है वो 30,000 to 40,000 के अराउंड हुआ है। तो इंडिया में आते आते इसकी जो कॉस्ट है 5,000 to 7,000 तो कॉस्ट जो है इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटीज लग जाएंगी, GST वगैरह लग जाएगा, काफ़ी सारे अदर टैक्सेस लग जाते हैं और कॉस्ट भी आ जाती है। तो उन सभी को मिलाकर यहाँ पर 40,000 to 48,000 का तो ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है। बाकी जो ऑफिशियली जब इसकी अनाउंसमेंट होगी तब जो है क्लियर हो ही जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं, कुछ लीक्स आई हैं, कुछ रूमर्स आए हैं जो कि सजेस्ट कर रहे हैं कि इसका जो स्पेशल एडिशन है अंडर डिस्प्ले वाले कैमरा वाला वो लगता है कि इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि ये लीक्स और रूमर्स ही रह जाएं। मेरे हिसाब से तो इनको इंडिया में लॉन्च करना चाहिए। अगर वो इंडिया में आता है देन उसकी जो कॉस्ट है वो 50,000 से अबव ही जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर वो 60,000 के अराउंड भी रहता है ना देन भी वो सैमसंग के फोल्डेबल सीरीज से सस्ते ही रहेगा और काफ़ी जो है काफ़ी लोग इसको बाय भी करना चाहेंगे। खैर मेरे हिसाब से तो 60,000 से नीचे ही रहेगा इसका जो प्राइस जो है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर ये सीरीज मोटोरोला एज X30 स्मार्टफोन जो है इंडिया में लॉन्च होता है क्या आप लोग इसको बाय करेंगे या नहीं, ये आप चीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें मोटोरोला एज X30 के स्मार्टफोन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी देन इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ ही हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग आर वीडियोज़।